नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव के करीब आए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव एक बार फिर भतीजे से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ हुई तल्खी और बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर उन्होंने एक समाचार पत्र से बातचीत की, जिसमें उनसे अखिलेश के साथ हुए तनावपूर्ण रिश्ते को लेकर सवाल किया गया, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए अखिलेश के साथ खराब हुए रिश्ते पर उनकी ओर से कहा गया है कि अभी तक इस बारे में वह समझ नहीं पाए हैं। दोनों के बीच हुई तल्खी का कारण क्या है, इसके साथ उन्होंने इस मुद्दे को विवादास्पद बताते हुए इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। शिवपाल यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्तर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन उस पर बात करना ठीक नहीं होगा। शिवपाल यादव ने बताया कि जब चुनाव के दौरान गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी तो मेरी तरफ से कहा गया था कि मैं गठबंधन सहयोगी के तौर पर नहीं बल्कि सपा के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। अपनी पार्टी को मात्र एक टिकट मिलने के विषय पर उन्होंने कहा कि अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो उस समय ही समाजवादी पार्टी को छोड़ देता। भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों पर शिवपाल यादव की ओर से कहा गया है कि इस समय मैं अपनी पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में लगा हुआ हूं। इसके साथ शिवपाल की ओर से यह भी कहा गया कि वह उचित समय पर आवश्यक निर्णय जरूर लेंगे। हाल ही में बीजेपी नेताओं के साथ हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा कि राजनीति में शिष्टाचार हमेशा होना चाहिए। शिवपाल यादव से रिपोर्टर द्वारा जब सवाल किया गया कि आपने पहली बार अपने भाई पर हमला बोला है, इसके जवाब में उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें मेरी तरफ से केवल इतना कहा गया है कि उनके नेतृत्व से सभी सांसदों को सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।